नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार सोनी आज आपका अपने YouTube चैनल जेनिथ टेक्निकल व्यू में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम या इस चैनल के माध्यम से जो RRB JEE की तैयारी कर रहे थे, जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से स्टूडेंट है, उनके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल में जो हमारे मेन जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आया हूँ, जो मोस्टली एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट देख रहे थे रजिस्टेंस के बारे में। कल मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस क्या होता है और हम इसको किस तरह से क्या है कैलकुलेट करते हैं। और मैंने ये आपको ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए कि ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। इसके अंदर तीन रेजिस्टेंस दे रखे हैं हमें, तीन तीन ओम के तीनों रेजिस्टेंस है और हमें पता करना है ये तीनों सीरीज में है या पैरेलल में है। हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, तो चलो दोस्तों हम देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे हमारे पास ये तीन रेजिस्टेंस है, ये तीनों हमारे पास तीन तीन ओम के तीनों रेजिस्टेंस है। ओके, इन तीनों को हमने ये जो तीन है ये रेजिस्टेंस मान लिया। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, जैसे एक रेजिस्टेंस ये है, इसका पॉइंट मान लिया एक नंबर और ये हमारा है दो नंबर, मतलब ये नोड जो है इसकी एक नोड ये है, दूसरी नोड हमारी ये है। दूसरा रेजिस्टेंस ये है, इसकी नोड मान ली हमने एक तीन नंबर और एक चार नंबर नोड मान ली। उसके बाद में तीसरे रेजिस्टेंस की जो है वो नोड क्या है, पाँच नंबर और छः नंबर, ऐसे हमने इन तीनों को मान लिया। तो हमने जो ये नोड मानी है, इन सभी नोडों को हम क्या है इन पे नोट करेंगे। जैसे फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये है, इसकी वैल्यू 3 ओम है, तो हमारी एक नोड ये और दूसरी नोड ये है, ये मान लिया हमने। उसके बाद में जो दो के साथ कौन सा कनेक्ट है, तीन नंबर नोड है, तो ये तीन नंबर नोड है और ये हमारी क्या है, चार नंबर नोड है। चार के साथ कौन सी नोड कनेक्ट है, पाँच नंबर, तो ये हमारी पाँच नंबर है और ये हमारी छः नंबर है। अब हम इसके अंदर देखते हैं एक नोड के साथ कौन-कौन सा कनेक्ट है हमारा, चार और पाँच नोड हमारे पास है कनेक्ट है नंबर 1 नोड के साथ, मतलब नंबर 1 नोड के साथ कौन सी नोड कनेक्ट है हमारी, नंबर 1 नोड के साथ क्या है, तो चार नंबर और क्या है, पांच नंबर नोड हमारी कनेक्ट है। उसके बाद में जो तीन नंबर है उसके साथ में क्या है, दो नंबर नोड कनेक्ट है। जैसे तीन नंबर है और ये दो नंबर है, ये आपस में कनेक्ट है यहाँ से, और छः नंबर नोड वो किससे कनेक्ट है, छः नंबर नोड है हमारी दो और तीन से, मतलब छः नंबर नोड ये है, तो ये नोड कनेक्ट है हमारी दो और तीन से। तो अब दोस्तों हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस है वो किस में है, हमारे पैरेलल के अंदर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के अंदर बहुत से बार देखने को मिलता है और लगभग जो स्टूडेंट है उनको इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो हम क्या है इसको इसी तरह से क्या है सोल्व करेंगे और इसको देखेंगे हमारे जो तीनों रेजिस्टेंस है वो किस में होंगे, ये पैरेलल के अंदर तीनों रेजिस्टेंस हमें मिलेंगे। अब क्या है आपको पता है तीन रेजिस्टेंस हम पैरेलल के अंदर दे रखे हैं, तो सोल्व करने के लिए कैसे करते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इसी टाइप में क्या है हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ऊपर नीचे क्या है 3 आएगा और ऊपर क्या है तीनों का हम ऐड करेंगे, तो 3 और हमारा क्या है 1 ओम। अगर मैंने कल आपको एक बताया था, एक हमारे पास क्या है ये कॉन्सेप्ट था, अगर दो रेजिस्टेंस है और वो है पैरेलल के अंदर और उनकी वैल्यू क्या है दोनों की सेम है, मतलब तीन तीन ओम उनकी वैल्यू क्या है सेम है, तो मैंने बताया था अगर पैरेलल के अंदर है तो इनकी जो वैल्यू है वो इक्वलेंट है, आर इक्वलेंट है, वो क्या होगा, वो होगा हमारा इन दोनों रेजिस्टेंस का क्या है हाफ, मतलब ये रजिस्टेंस 3 है तो इसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 ओम, 1.5 ओम। मतलब ये उसी तरह से क्या है हमारे पास तीन रजिस्टेंस है और तीनों रजिस्टेंस वो क्या है पैरेलल के अंदर जोड़ रखा है और तीनों की क्या है वैल्यू हमारी सेम है, तो 3/3 मतलब क्या है 1 आ जाएगा और ये क्या है हमारा आंसर है इसी क्वेश्चन का। तो दोस्तों इसी टाइप में एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम, जो आर इक्वलेंट के बेस पे क्या है कैसे हम सोल्व करेंगे।
इसी तरह से क्या है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो क्या है काफ़ी अच्छा रहेगा, और आपके लिए क्या है एग्ज़ाम के लिए भी क्या है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ आपको, और इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, सबसे पहले जैसे ये मैंने कल आपको एक सर्किट दिया था, ये सर्किट है हमारा, इसके अंदर एक बीच में और हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, मतलब अब हम क्या करेंगे, 2 ओम ये है, 2 ओम हमारा ये है, ये क्या है 4 ओम का, और इसके बाद ये क्या है हमारा 2 ओम का, ओके, और ये क्या है हमारा 4 ओम का, और ये है 2 ओम का, इसके अंदर क्या है ए और बी हमें फाइंड आउट करना है। इसके अंदर क्या देखेंगे हम, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ए और बी ये पॉइंट दे रखे हैं, तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमेशा क्या है अपोजिट साइड से हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, हमें दो रेजिस्टेंस ये दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक 4 ओम का, ओके, यहाँ से शुरू करते हैं इस साइड से। तो मैंने कल बताया था आपको एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा हमारा ये है, ये क्या है 2 ओम का, ये भी क्या है 2 ओम का, इन दोनों रेजिस्टेंस को क्या है हमने यहाँ बना लिया। अब मैंने बताया था आपको इन दोनों की क्या है, अगर एक नोड आपस में जोड़ रखी है तो ये किस में होंगे, सीरीज के अंदर, और सीरीज को हम सोल्व कैसे करते हैं, सीरीज को हम क्या है, जैसे हमारे पास इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, जो हमारा एक रेजिस्टेंस बनेगा 2 प्लस 2 मतलब 4 ओम का, वो क्या है ये होगा 4 ओम का रेजिस्टेंस। उसके बाद हमारे पास 4 ओम का ये रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, 4 ओम का ये हमें दे रखा है, उसके बाद ये दे रखा है हमें 2 ओम का, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और एक यहाँ पे ऊपर हमारे पास ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट क्या है, हम अब इन दोनों को देखेंगे, ये 4 ओम और ये 4 ओम, इसको सोल्व करेंगे तो क्या है इन दोनों को हम एक बनाएंगे। तो मैंने बताया था आपको जैसे हमारे पास ये है 4 ओम का, और उसके अंदर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है ये 4 ओम का। अब इन दोनों रेजिस्टेंस की क्या है, दो नोड आपस में जोड़ रखी है, तो ये किस में होंगे, ये हो जाएंगे पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल के अंदर सोल्व करेंगे तो मतलब इनकी सेम वैल्यू है, तो दो रेजिस्टेंस है तो इनका हाफ क्या हो गया 2 ओम हमारे पास इनका आंसर आएगा। अब हमने क्या है इस सर्किट को, इस इतने सर्किट को हमने सोल्व किया है, और वैल्यू क्या मिली है हमें, वैल्यू हमें मिली है 2 ओम की, तो मतलब ये हमारा क्या है 2 ओम, ये भी क्या है 2 ओम, और ये क्या है 4 ओम, और यहाँ पर ये क्या है हमारे पास है 2 ओम का अलग से पहले से ही, ओके। अब हमें ये दोनों दिखाई दे रहे हैं किसके अंदर, सिर्फ एक नोड कनेक्ट है, तो एक नोड कनेक्ट होने के कारण क्या है हमारे पास है? ये किस में होंगे दोनों, सीरीज के अंदर, तो सीरीज में क्या होगा 2 प्लस 2 मतलब 4 ओम का, ओके। अब इन दोनों को सोल्व करने के बाद हमारे पास एक सर्किट बनेगा, वो क्या होगा, वो होगा 4 ओम का, ओके। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास है? ये दोनों मतलब दो नोड आपस में जोड़ रखी है, तो दोनों को देखेंगे तो क्या है 4 और 4 ये पैरेलल में है, तो इसको हम सोल्व करेंगे या डायरेक्ट कह सकते हैं कि 16/8 मतलब 2 ओम मतलब हाफ, इन दोनों इसका हाफ कर दिया हमने। अब हमारे पास 2 ओम वैल्यू मिल गई इतने रेजिस्टेंस की, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, जो 2 ओम बचा है और इन दोनों की वैल्यू कितनी आई 2 ओम, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है जो वैल्यू बनेगी वो क्या होगा, एक ये और एक ये हमारे पास क्या है ए और बी पॉइंट है, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, इसके अंदर इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी हमारी 2 प्लस 2 मतलब 4 ओम हमारे पास क्या है आंसर आ जाएगा, और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर है, जो आर इक्विवेलेंट है वो क्या है 4 ओम का, आर इक्विवेलेंट इसके अंदर देखने को मिलेगा।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। इसी तरह से क्या है, हम धीरे धीरे करके बड़े लेवल तक जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, और जो एक कंसेप्ट होता है हमारा स्टार डेल्टा का, उसके बेस से ही क्या है हम आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। बहुत से सर्किट होते हैं उनके अंदर आर इक्विवेलेंट निकालना काफ़ी दिक्कत आती है, तो उसको उन सर्किटों को सोल्व करने के लिए हमें क्या है स्टार डेल्टा का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। और स्टार डेल्टा का कंसेप्ट क्या है, स्टार और डेल्टा। अब हमारे पास जो सर्किट होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं एक सर्किट, जैसे एक हमारे पास ये ब्रिज टाइप में सर्किट है, ये है ब्रिज टाइप में सर्किट है, और इनकी वैल्यू दे रखी है हमें 2 ओम, इधर 4 ओम, इधर दे दिया हमें 8 ओम, और इधर दे दिया 1 ओम, ओके। और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 10 ओम की है हमारी वैल्यू है। तो अब इस सर्किट को सोल्व करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है, आपको पता होना चाहिए एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हमें व्हीटस्टोन का ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, वो पता होगा तभी क्या है इस टाइप के सर्किट हम सोल्व कर पाएंगे। अब इस सर्किट के अंदर क्या है, डायरेक्ट हम देखेंगे भी ये दोनों क्या है सीरीज में नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बीच में एक रेजिस्टेंस और है। इस साइड से देखेंगे तो भी क्या है हम सोल्व नहीं कर सकते, इधर से भी क्या है इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। तो क्या है इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर इस टाइप के सर्किट में व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई नहीं हो रहा है तो क्या है हम स्टार डेल्टा से इस टाइप के सर्किट को हम सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं छोटा सा, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको स्टार डेल्टा के बारे में, ओके। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इसके अंदर क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के इस टाइप में हमारे पास क्या है एक सर्किट दिया होगा ब्रिज टाइप में। अब क्या है जैसे हम एक बार इनकी वैल्यू को हटा देते हैं और डायरेक्ट हम लिखते हैं ये हमारे पास क्या होगा गैल्वेनोमीटर जी होता है और ये होता है PQRS। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या होता है पी और क्यू का रेशो जो है वो इक्वल टू होगा एस आर के, पी और क्यू का जो रेशो है वो इक्वल टू होगा अगर एस आर के, तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर बीच के अंदर हमारे पास कितनी भी वैल्यू हो रेजिस्टेंस की वो क्या हो जाएगी नेगलेक्ट हो जाएगी, उसकी वैल्यू हम क्या है इस सर्किट के अंदर कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो आपको मेन जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए, आमने सामने के जो रेजिस्टेंस है उनकी जो वैल्यू है और जो दूसरे अपोजिट में रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू के बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया है इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम 3 ओम, इसकी ले ली हमने 2 ओम, इसकी ले ली वैल्यू हमने 6 ओम, और इसकी ले ली 1 ओम, ओके। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 6, इन दोनों को करेंगे तो क्या आ गया 6, मतलब हमारे पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है सेटिस्फेक्शन है। तो बीच में कितना भी बड़ा हमारे पास अगर 50 ओम का भी रेजिस्टेंस है तो उसको हम क्या है कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो उसके बाद अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं किस तरह सर्किट को हम सोल्व करेंगे। तो हमारे पास ये सर्किट दे रखा है, ये दे रखा है 20 ओम का, ये दे रखा है 5 ओम का, ये दे रखा है 4 ओम का, ये दे रखा है 10 का, और ये दे रखा है 2 का, ओके। और ये हमारे पास ए और बी दो पॉइंट है। अब इनको क्या है सोल्व करना है। अब हम देखेंगे सबसे पहले आमने सामने के जो रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू 10 into 2 मतलब 20 इज इक्वल टू 4 और 5 का कितना हो गया 20, 20 मतलब 20 क्या है दोनों बराबर है, तो मतलब जो बीच वाला रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम
नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे और हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो एक सर्किट क्या बनेगा, वो कुछ इस टाइप में एक सर्किट बनेगा। और ये सर्किट है, इसके अंदर क्या है, 4 ओम ये वैल्यू, 10 ओम हमारे पास ये वैल्यू, उसके बाद में 2 ओम ये वाला और 5 ओम ये हो गया। ओके, अब इस सर्किट को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इन दोनों को देखेंगे तो क्या है, एक नोड जोड़ रखी है, दूसरी नोड किसी अन्य रजिस्टेंस से है, तो एक नोड जोड़ रखे है, दोनों किस में, सीरीज में, तो मतलब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या है, 5 और 2 7 आ गया। उसके बाद में ये दोनों सीरीज में, 10 और 4 कितने हो गए, 14, ये हो गया हमारा सर्किट नेक्स्ट। अब क्या है, ये दोनों हम बता सकते हैं पैरेलल के अंदर है, तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 14 × 7 और 14 + 7, इसको हम सोल्व करें तो हमारा क्या है, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से क्या है, हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब क्या है, अगर कंडीशन ये ना हो, ये कंडीशन अगर सेटिस्फेक्शन ना हो, तब क्या करेंगे हम, तब क्या है, स्टार और डेल्टा का जो रूल है वो हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट काफ़ी लंबा है, इसको बताने के लिए लगभग एक लेक्चर और लगेगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं यहीं पे इसको क्लोज करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो क्या है, कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता देना। तो मैं एक आपको सर्किट देता हूँ और उस सर्किट को क्या है, आप अपने होमवर्क के लिए रखना है। तो इसके अंदर क्या है, सर्किट के अंदर सेम जैसे कल बनाया था वही होगा हमारे पास, ये होगा और एक ये दे रखा है हमने। इसके अंदर क्या है, ये 4 ओम का है, ओके, और ये है 2 ओम का, और ये है 8 ओम का, और ये है 1 ओम का, और ये है हमारा 10 ओम का। तो इसको हमें क्या है, सोल्व करना है। ये हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, ओके, तो इसको हमें क्या है, आर इक्विवेलेंट निकालना है इसका। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।